सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आइए चलिए, आज का मेरा सेकंड क्लास एंड इन टोटल फोर्थ क्लास ऑन डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर वैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट अप्रोच लिखते हैं, जिसका नाम है रैडिकल अप्रोच। रैडिकल अप्रोच, ठीक है? तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें दो कॉलम बनेगा, एक बनेगा रिलेशनशिप और एक बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर बेटर प्राइसिंग। एक बनेगा रिलेशनशिप और एक बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर बेटर प्राइसिंग, ठीक है? अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। तो लिखिएगा सबसे पहले टैक्स रेट ऑन डिविडेंड्स लेस देन टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स। टैक्स रेट ऑन डिविडेंड्स लेस देन टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स। अगर ये होता है, ये एक केस हुआ, और दूसरा केस है टैक्स रेट ऑन डिविडेंड्स ग्रेटर देन टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स। तो अगर डिविडेंड्स पे कम है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, बिकॉज डिविडेंड्स पे कम टैक्स है। और अगर डिविडेंड्स पे ज्यादा है, कैपिटल गेन पे कम है, तो क्या कर दो? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट लिखना, इस मेथड के ऊपर एक नोट लिखना। लिखो, दिस मॉडल कंसिडर्स, दिस मॉडल कंसिडर्स डिफरेंशियल, दिस मॉडल कंसिडर्स डिफरेंशियल रेट्स, डिफरेंशियल रेट्स ऑफ कॉरपोरेट टैक्स एंड पर्सनल टैक्स कॉमा एंड ऑल्सो डिफरेंट रेट्स फॉर डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो ये मॉडल है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि है रेडिकल अप्रोच पर। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि है रेडिकल अप्रोच पर।
तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़िएगा, शेयर्स ऑफ कंपनी अनुराधा एलॉयज एंड बृंदा मेटल्स कैरिंग द सेम बीटा वैल्यू, कैरिंग द सेम बीटा वैल्यू, ओके, अमोग इज कंटेम्पलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन आइदर ऑफ दीज टू कंपनीज, अमोग इज कंटेम्पलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन आइदर ऑफ दीज टू कंपनीज, डेटा अवेलेबल विथ अमोग डायरेक्ट्स दैट अनुराधाज शेयर्स विल बी वर्थ 640 वन ईयर फ्रॉम नाउ, अनुध्रा विल नॉट पे एनी डिविडेंड, ब्रिंदा मेटल शेयर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 600 एट द एंड ऑफ द सेम पीरियड, हाउएवर ब्रिंदा मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 40, एसरटेन द सीएमपी ऑफ द शेयर्स इफ डिविडेंड्स आर टैक्स्ड एट 15%, कैपिटल गेन्स एट 10%, पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनुध्रा एंड ब्रिंदा इज 16%, के ही दे दिया है, अज्यूम एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेडिकल पोजिशन। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। आइए हम लोग तीन कॉलम बनाएंगे, आइए हम लोग तीन कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में है पर्टिकुलर्स, फिर है अनुद्रा और फिर है बृंदा। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स, अनुद्रा और बृंदा। तो चलिए, तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले मार्केट प्राइस वन ईयर लेटर, तो ये हम लोग को दे दिया है, एक का है 640 और एक का है 600। उसके बाद में लेस करेंट मार्केट प्राइस, यही तो मेरे को निकालना है, तो इसका ले लीजिए पी ए और इसका ले लीजिए पी बी। ठीक है, तो मेरा कैपिटल गेन्स कितने का आ जाएगा, 640 माइनस पी ए, 600 माइनस पी बी, ये मेरा कैपिटल गेन्स हो गया। ओके, ये मेरा कैपिटल गेन्स हो गया। लेस टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स एट द रेट 10%, तो जो गेन्स हुआ उससे मैं टैक्स को माइनस कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ दिस थिंग, कॉपी पेस्ट, यहां पर भी 10% ऑफ दिस थिंग, कैपिटल गेन मेरे को जितना भी हो रहा है, जैसे मान लो 500 रुपये का अगर कैपिटल गेन होता है और 10% का टैक्स है, तो टैक्स कितना चला जाएगा, 50, तो वो ही कर रहे हैं। इसके बाद में आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट टैक्स कैपिटल गेन, इसके बाद में आएगा पोस्ट टैक्स कैपिटल गेन, तो पोस्ट टैक्स कैपिटल गेन क्या होगा, 10% ऑफ दिस, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा मेरे को बताना, 10% ऑफ दिस कितना आएगा, आएगा 64 माइनस 0.1 पी ए, और ये कितना आएगा, 60 माइनस 0.1 पी बी। अब इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा आएगा पोस्ट टैक्स कैपिटल गेन, जो कि आ जाएगा इस केस में आएगा 576 माइनस 0.9 पी ए, और यहां पर आएगा 540 माइनस 0.9 पी बी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया पोस्ट टैक्स कैपिटल गेन।
इसके बाद में आएगा इसके बाद में आएगा डिविडेंड्स रिसीवेबल। तो एक कंपनी तो डिविडेंड दे ही नहीं रहा, और ये वाला कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है? 40 लेस टैक्स ऑन डिविडेंड्स एट द रेट 15%। 15% ऑफ 40 कितना होता है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? पोस्ट टैक्स डिविडेंड इनकम। तो पोस्ट टैक्स डिविडेंड इनकम इसमें तो निल है, और इसमें कितना आ जाएगा? 34। तो अब मेरे को निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या होगा? एक तो कैपिटल गेन वाला इनकम लेंगे और एक डिविडेंड इनकम लेंगे, तो दोनों को एड अप करके क्या आ रहा है यहाँ पर? तो वही आ जाएगा, 576 माइनस 0.9 पी ए, और यहाँ पर कितना आएगा? 574 माइनस 0.9 पी बी। ठीक है, नाउ माने बेसिकली मैंने कितना रुपया लगाया तब जाके मेरे को ये रिटर्न आया? मैंने लगाया था एक में पीए और एक में पीबी, एंड दोनों केसेस में मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 16%। 16%। तो लिखने का तरीका देखना मेरा, आई विल राइट 0.16 इज इक्वल टू 576 माइनस 0.9 पी ए होल डिवाइडेड बाय पी ए। समझा? जो मैंने कमाया, जैसे 50 कमाया 500 के इन्वेस्टमेंट में, तो 50 बाय 500 इज व्हाट? 0.1। तो वही है। तो यहां से मेरे को सॉल्व करना है पी ए। सिमिलरली सिमिलरली 0.16 इज इक्वल टू 574 माइनस 0.9 पी बी होल डिवाइडेड बाई पी बी। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? पी बी। तो पी ए और पी बी निकालो कितना आ रहा है। पी ए और पी बी निकालिए कितना आ रहा है। पी ए आ रहा है मेरा 543.40, और पी बी आ रहा है मेरा 541.51। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम लोग रेडिकल अप्रोच के हिसाब से जाएं तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए था, बिकॉज डिविडेंड पे जो टैक्स है हमारा वो तो है 15% का, और कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो है 10% का। तो कौन से कंपनी ने सही किया है, कौन से कंपनी ने सही किया है? उस कंपनी का नाम है ए, तो इसीलिए उसका जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये सब सबको समझ में आ रहा है? इसको देख लो एक बार, इसको देख लो एक बार। इसको देख लो एक बार। अब इसके बाद में अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगाना,
वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे डिविडेंड, डिस्काउंट मॉडल। इसके अंदर में देयर आर टू फॉर्मूलाज। पहला है जीरो ग्रोथ। तो जीरो ग्रोथ में फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस इज इक्वल टू डी बाय के ई। प्राइस मतलब आज का प्राइस, डी इज डिविडेंड्स एंड के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और एक है जो हम लोग ने पहले भी किया हुआ है, कांस्टेंट ग्रोथ वाला। एक है जो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, कांस्टेंट ग्रोथ वाला। तो कांस्टेंट ग्रोथ में क्या होता है? पी इज इक्वल टू डी वन बाय आर ई माइनस जी। पी इज इक्वल टू डी वन बाय आर ई माइनस जी, ठीक है। एक होता है वेरिएबल ग्रोथ वाला, वो सम के हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे। नाउ अभी तक हमने कितना सम्स कर लिया है? अभी तक हमने कर लिया है 13 सम्स, ठीक है। ओके तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए क्या लिखा है इस कंपनी में, इस क्वेश्चन में। कंपनी सॉरी, अ कंपनी प्रेजेंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 पर शेयर एंड हैज अ शेयर प्राइस ऑफ 20। इफ दिस डिविडेंड वेर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ मिनट। सो आई एम बैक नाउ, सॉरी फॉर दैट स्मॉल ब्रेक, बिकॉज पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं है। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी वायरस हो, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14। इफ दिस डिविडेंड वेर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवर, वॉट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए करते हैं हम लोग, सोल्यूशन। तो पार्ट ए में हम लोग को क्या दे दिया है? डी जीरो दिया है, वन। डी वन मैं निकाल सकता हूं। डी वन कितना है? 1 प्लस 12%, तो ये कितना हो जाएगा? 1.12। इसके बाद में हम लोग को जी दे दिया है 12% का। हम लोगों को के ई निकालना है, ठीक है, और हम लोग को प्राइस दे दिया है। पी जीरो इज द प्राइस, तो हम लोग को प्राइस कितना दे दिया है? 20। तो ये तो बहुत सिंपल है। पी जीरो इज इक्वल टू डी वन बाई के ई माइनस जी। तो इसका मतलब क्या है? 20 इज इक्वल टू 1.12 बाय के माइनस 0.12। तो यहां से आप लोग सॉल्व करिए के को, यहां से आप लोग के को सॉल्व करिए, तो हम लोग का आ जाएगा 17.6%। हमारा जो के है वो आ जाएगा, सॉरी, मैं ये सेलेक्ट करने वाला था एक्चुअली। हाँ,
तो हमारा जो के ई है वो कितना आ जाएगा, 17.6% हमारा के ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट टू की ओर। इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट वन, सपोज दैट डिविडेंड्स वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स एंड 10% पर एनम द ईयर देयर आफ्टर। नाउ व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, ठीक है, तो इसमें हल्का थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें इंटरपोलेशन का हम लोग को सहारा लेना पड़ेगा, तो ले लेंगे थोड़ा सा, सह लेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉलम्स बनाइए, 7 कॉलम बनाइएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन कौन सा। सबसे पहले बनेगा ईयर्स का, ठीक है, उसके बाद में बनेगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद में बनेगा मेरा कैश फ्लो का, उसके बाद में बनेगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। एक्चुअल में इसमें क्या है, हम लोगों को दो इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों को करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ग्रोथ रेट था 12% का, जब मेरा ग्रोथ रेट था 12% का, मेरा पहले वाले केस में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, 17.6, 17.6 आ रहा है। तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने 15 और 20 लेके देख सकते हैं एक बार, 15 और 20। तो अपने को, मेरे को जहां तक लगता है, 15 और 20 लेने से अपना काम हो जाएगा। अगर मान लो 15 20 में ना हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे, अकॉर्डिंगली मेरे को देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को शेयर प्राइस कितना चाहिए, 20। डिस्काउंट करने के बाद में मेरे को जो शेयर प्राइस है वो कितना चाहिए, मेरे को 20 चाहिए। ठीक है, तो आप लोग 15 20 लेके ट्राई कर सकते हो। जैसे जिस किताब का ये क्वेश्चन है, वहां पर 18 और 19 लेके किया गया है, बिकॉज इतना एक्यूरेट तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15 और 20 लेके ट्राई करेंगे, तो अपना मोटा मोटी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 15%, उसके बाद में डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एट द रेट 15%, फिर बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 20%, और फिर बनाएंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एट द रेट 20%। ठीक है, तो 15 और 20 अपने लेके अब ट्राई कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ के साथ सोचो, अभी यहां पर ग्रोथ क्या है, 20 है और 10 है, तो 20 तो लेकिन 5 साल के लिए है ना, उसका तो 10 हो गया, तो मोटा मोटी 15 और 20 के अंदर अंदर अपना आंसर आ जाना चाहिए। बट जैसे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 18% और 19% लेके ट्राई किए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है सोचना, तो हम लोग 15 और 20 में लेके ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है इसमें जो अपना आंसर है वो हल्का डिफरेंट आए, तो अपने थोड़ा और क्लोज करने का ट्राई करेंगे उसको। लाइक मैं आपको दिखा दूंगा इसमें कैसे करना है इसको, पहले बस स्टार्ट करते हैं इसको। अब जैसे क्या है, ईयर्स में भी मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आएगा डिविडेंड, यहां पर भी डिविडेंड 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 डिविडेंड, मेरे को 5 साल का डिविडेंड चाहिए। पहला 5, अभी डिविडेंड क्या चला, D0 is 1, तो पहला साल जो मेरा कैश फ्लो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 20% का, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2। फिर इसको 20% से बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 1.44। फिर इसको 20% से बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 1.73। फिर इसको बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 2.07। फिर इसको बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 2.49। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले 1 डिवाइड 1.15, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है वो लिख देना है यहाँ पर, और फिर इसका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, फिर सिमिलरली 20% पे भी करना है सेम चीज़, तो आप लोग करके बताइए कितना कितना आ रहा है, मैं आप लोग के लिए वेट कर रहा हूँ, आप लोग करके बताइए कितना कितना आ रहा है। आप लोग करके बताइए कितना कितना आ रहा है, बिकॉज इसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो
आप लोग को ही करना है इसको। एक चीज और आएगा यहां पर ईयर फाइव में, जैसे पहला 5 साल का तो ग्रोथ रेट कितना है अपना, 20% है, उसके बाद तो एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट है ना 10% का, तो ईयर फाइव पे अपने शेयर का दाम निकाल सकते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला को यूज करके। कैसे देखो, इसमें लिखना एमपीएस एट ईयर फाइव, तो एमपीएस एट ईयर फाइव कैसे आएगा, डी सिक्स बाय के माइनस जी। तो अपने डी सिक्स कैसे निकालेंगे, ये जो डी फाइव है, ये जो डी फाइव है इसको अपने कैसे कर सकते, देखो डी सिक्स बाई के माइनस जी, मैं आपको यहां पर नोट में करके दिखाता हूं। अपना जो लास्ट डिविडेंड था वो कितना था, 2.49, तो 2.49 को अपने बढ़ाएंगे 10% से, ठीक है। अब अपना जो के है वो अपने कितना लिए, एक में लिए 15 और एक में लिए 20, और अपना ग्रोथ रेट कितना है 10% का। इसको मैं आपको टाइमलाइन से समझाता हूँ, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड ये ईयर 6 ऑनवर्ड्स है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मार्केट प्राइस निकाला, यहाँ पर जो मैंने मार्केट, मैंने क्या बोला था, शेयर प्राइस क्या है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स। तो ईयर 6 का जो डिविडेंड है उसको मैं यहाँ ले आऊंगा, ईयर 7 वाले को भी यहाँ ले आऊंगा, 8 वाले को भी यहाँ ले आऊंगा, 9 वाले को भी यहाँ ले आऊंगा, 10 वाले को भी यहाँ ले आऊंगा, सबको मैं क्या करूंगा ईयर 5 पे ले आऊंगा, सबको मैं क्या करूंगा ईयर 5 पे ले आऊंगा। और मैं ईयर 5 पे जब पुल बैक करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। मैंने वही किया है आज तक, आप जीरो पर निकालते आए तो आपने क्या किया, जितना भी फ्यूचर डिविडेंड्स था उन सबको आपने टाना, उसी का तो फॉर्मूला है। अगर एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा तो फॉर्मूला क्या है, डी वन बाय के माइनस जी। तो ईयर फाइव के बाद से मेरा कांस्टेंट डिविडेंड है, तो ईयर फाइव पे तो एमपीएस निकाल सकते हैं ना, ईयर फाइव पे एमपीएस निकाला। देखो मैं जब ईयर जीरो पे खड़ा होकर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मेरे को ये डिविडेंड मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, यहां पर भी मेरे को एक डिविडेंड तो मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे को ये भी तो मिल रहा है, बिकॉज एमपीएस एट ईयर फाइव क्या है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस ईयर सिक्स से। तो मैंने क्या किया, इन सबको तो टानूंगा, इसको इधर, इसको इधर, इन सबको तो टानूंगा, प्लस इसको भी टान लूंगा, तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, शेयर प्राइस एट ईयर जीरो। ये मेरे को आप लोगों को समझाना था, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, एमपीएस एट ईयर फाइव, ये आप लोग डी सिक्स, यहां पर के ई के जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक बार यूज करेंगे 15% और एक बार यूज करेंगे 20%, ठीक है। तो पहले आप लोग 15 और 20 में करना, तो यहां पर आपके कुछ आंसर्स आएंगे। तो एक कम और एक बेसी मेरे को मिल गया, मेरे को मिला एक कम और एक बेसी, ठीक है। तो मेरे को एक कम और एक बेसी जब मिल जाएगा तब मैं क्या करूंगा, लीनियर इंटरपोलेशन लगाऊंगा। जो हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन बाय एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो ये जो लीनियर इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है ये हम लोग यहां पर लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जब करेंगे इसका जो फाइनल आंसर आएगा करने के बाद में, जैसे अपने को क्या करना है, इसका भी जो अपना जो आएगा, लाइक इसका जो कैश, ये जो अपना फाइनल आएगा, लाइक ये जो अपना जो आ रहा है, ये जो अपना जो आ रहा है, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है फॉर फिफ्थ ईयर, उससे जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा यहां पर इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा एट ईयर जीरो। अब क्या होगा, पांच तो डिविडेंड्स हो गए और एक एमपीएस हो गया हमारा,
पांच डिविडेंड्स और एक एमपीएस, इन सब का डीसी फैट का सम, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब मैं इसको भी प्लस कर दूंगा तब मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस। ठीक है, तो ये आप लोग को निकालना है, एक ये और एक ये। मैंने 15 और 20 मेरे अंदाज से बोला है, तो जब आप लोग इसे इंटरपोलेशन करेंगे तो आपका आंसर रफली आना चाहिए 18.09%। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है 18.09%। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें एक बार फिर से ये वाला समझना, एक बार फिर से आप लोग सब ये वाला समझना। देखो मैंने क्या किया, ईयर सिक्स से क्या था, 10% का ग्रोथ था। ईयर सिक्स से क्या था, 10% का ग्रोथ था। तो मैं क्या सोचा, ईयर सिक्स ऑनवर्ड्स से कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, तो ईयर सिक्स से सारा कैश फ्लोस को ईयर फाइव पे टान के लाएंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस एट ईयर फाइव। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया D6/KE-G, वेयर ग्रोथ रेट इज 10%। अब मेरे को क्या करना है, जीरो पे मार्केट प्राइस लाना है। तो ईयर वन का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, और ईयर फाइव का जो एमपीएस है उसको भी जीरो पे लाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज एट टाइम जीरो। देखो मैंने क्या किया, सिक्स, मैंने क्या बोला, सिक्स सेवन एट नाइन टेन डॉट डॉट डॉट, इन सब को पहले टान के ईयर फाइव पे ले आओ, और फिर 5 साल का, 5 साल का जो डिस्काउंट फैक्टर है, 1/1.15 इक्वल टू, उसको अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम जीरो पे नहीं आ जाएगा क्या? जैसे ईयर वन पे कोई कैश फ्लो होता है तो इसको 1 ईयर का जब डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टाइम जीरो पे आ जाता है। फिर अगर 2 साल का करना हो तो 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईयर जीरो पे आ जाएगा। चीज समझना पड़ेगा, व्हाट इज शेयर प्राइस, शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस, शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस। ठीक है, अब हो सकता है कि यहां पर आपका 18.09% नहीं आए, तो हम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से एग्जाम में करना है। एक हमने रैंडम ले लिया 15 और 20, क्योंकि इन लोग की तरह सोचना हमारे बस के बाहर है, तो 15 और 20 लिया तो उससे हमारे कुछ आएंगे। तो 15 में जैसे देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आता है। ठीक है, अपना एक्चुअल में आंसर क्या है, 18.09, तो 18.09 पे प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 20, मतलब शेयर प्राइस कितना आएगा, 20। जब अपने कम इंटरेस्ट रेट, 18.09 से कम क्या हो गया, 15, तो जब अपने 15% पे डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा बताए, 20 से ज्यादा आएगा। तो फिर अपने क्या करेंगे, एक जैसे देखो 15% पे क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 आता है, मेरे को आइडिया नहीं कितना आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 आता है, मेरे को पता है कि मेरे को 20 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर 16% पे डिस्काउंट करके देखूंगा उस चीज को, या फिर 2-2% का गैप में करो, 15 के बाद हम लोग ट्राई कर सकते हैं 17 को, 15 के बाद अपने ट्राई कर सकते हैं 17% को। ठीक है, तो 17 पे सारे कैश फ्लोज को, 6 कैश फ्लोज है, ईयर 1 to 5 का डिविडेंड्स और एमपीएस एट द एंड ऑफ ईयर 5, उन 6 कैश फ्लोस को 17 पे टानो, तो 17 पे टानोगे तो फिर क्या आएगा, 20 से ज्यादा आएगा, तो एक उसको ले लो। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 20% पे टान रहे हैं, तो 20% जो है
वो 18.09 से ज्यादा है। तो अगर 18.09 पे प्रेजेंट वैल्यू 20 है, तो इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू गिरता है, ठीक है। तो 18.09 से मैंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के कितना कर दिया, 20% कर दिया। जब मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा हूं तो स्वाभाविक सा बात है प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा, मतलब 20% पे मेरा जो आंसर आएगा वो ₹20 से कम आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं हल्का इंटरेस्ट रेट को कम कर दूंगा। देखो बहुत सिंपल सा है, प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट आर इन्वर्सली आर इन्वर्सली रिलेटेड। बहुत सिंपल सा चीज है, हायर इंटरेस्ट रेट लोअर प्रेजेंट वैल्यू, या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट हायर प्रेजेंट वैल्यू। क्यों, 1 डिवाइड 1.1, 1 डिवाइड 1.2, तो जब 20% से टानेंगे तो बहुत जोर से टनता है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू कम आता है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे टानने से प्रेजेंट वैल्यू जोर से टनता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 20% पे क्या होगा, 20 से कम आएगा। अगर मान लो बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं 19 ट्राई करूंगा। दिस इज हाउ यू मेक द गैप स्मॉलर। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको, 15 से 20 का मैंने आपको गैप बोला, मैंने आपको एक्चुअल का आंसर दे दिया। अब ये सब जिम्मेदारी है कि आप खुद से करोगे और मुझे सीए इंटर के ग्रुप में आप लोग सब भेजोगे, सीए इंटर सीएस इंटर का जो हमारा ग्रुप है उसमें भेजोगे। मैं ये आगे नहीं करने वाला, ये आपको करना है। आप लोग धीरे धीरे करके गैप को स्मॉलर करना, अगर 15 से 20 में आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता 18.09 एग्जैक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गैप को छोटा करने का ट्राई करेंगे, 15 से 16 और 19 में आएंगे। फिर अगर 16 में भी 20 से बहुत ज्यादा आता है तो क्या करेंगे, 17 में आएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, 18% पे हम लोग का आ रहा है इन सब का प्रेजेंट वैल्यू 20.222, और 19% पे अपना आ रहा है 17.877, ठीक है। तो 18 पे आ रहा है 20.222 और 19 में आ रहा है 17.877, तो दिस इज द बेस्ट गैप। आप 18 और 20 में ट्राई करके देखो, आप 19 और 17 में ट्राई करके देखो, तब आपका क्या कॉन्सेप्ट खुलेगा, बिकॉज कुछ तो करना नहीं है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि 6 डिविडेंड्स है, माने 5 डिविडेंड्स है और 1 MPS है, इन सब का आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सम निकालना है, ठीक है। 1 20 से कम आएगा, 1 20 से ज्यादा आएगा, और गैप को किस तरीके से छोटा करना है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि अगर मान लो मेरे को चाहिए प्रेजेंट वैल्यू सबका 20, और मैंने 15% पे जब डिस्काउंट किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैं सही नहीं बोल रहा हूं, अगर मान लो मेरा आता है 30 तो बहुत दूर हो गया ना, तो मैं 16 पे ट्राई करूंगा, 16 पे ये कितना आएगा, मान लो 27 आता है, फिर मैं 17 पे ट्राई करूंगा, मान लो और ये होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू कम होगा। मान लो ये आता है 24, मैं यहीं रुक जाऊंगा, ठीक है भाई 24 ठीक है, या तो फिर मैं 18 पे ट्राई करके देखूंगा। आप लोगों को ट्राई जरूर करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, 18 पे ट्राई करके देखेंगे, तब 18 का तो मैंने आपका आंसर बता ही दिया, आएगा 20.222, ठीक है। अब नीचे से ट्राई करो, 20 पे मान लो आता है, 20 पे मान लो आता है 15, तो मैं 19 ट्राई करूंगा, तो 19 पे मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, 19 पे मेरा आंसर आ रहा है शायद 17 के आसपास आ रहा है, शायद मेरा जितना भी आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू डील विथ इंटरपोलेशन सम्स। सर अभी स्टार्टिंग में तो इतना टाइम लग जा रहा है, यही तो सम है सीखने के लिए, एग्जाम में आपका ऑटोमेटिकली दिमाग और हाथ दोनों चलेगा कि चलो ये ट्राई करते हैं, एंड धीरे धीरे करके आपको वही चीज होगा, बट स्टार्टिंग में तो आपको करके देखना पड़ेगा ना 3 4 लेवल्स पे, तभी तो होगा, ठीक है। तो ये सम ट्राई करना है,
इसका आंसर करेक्ट इज 18.09%, ये आप लोग को ला के मेरे को दिखाना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो ये सबको मैं आप लोग को फिर से समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग और भी सारे सम्स करेंगे, ठीक है, ओके।